सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो वर्तमान की उपेक्षा करता है वह अपना सब कुछ खो देता है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, शीप में आए तो खुद मोती ही बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का असर है। आज का पंचांग 9 जून 2020 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सम 7:39 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 2 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:40 से 5:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। धनु राशि 9 जून 2020 दिन मंगलवार, अभी आप खुद को दूसरों से अलग महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सोच समझकर खर्च करें, धोखाधड़ी और झूठे वादों से बचें और सावधान रहें। सपने आशाजनक दृष्टिकोण दिखाते हैं। आज आपको पैसों की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अपने मासिक बजट, आय के स्रोत और खर्चों की समीक्षा करेंगी। योजना बनाकर ही नया ऑफिस या व्यवसाय शुरू करें। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। आज आपका विनोदी स्वभाव और परिवार के प्रति आपका रुझान पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बनाएगा। इस समय विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स से संबंधित कोई उपलब्धि मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय आने वाला है, उनको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बस वह अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक रहें। आपके लिए आज के दिन काफी अच्छा भी हो सकता है और बहुत लोगों के लिए आज का दिन सामान्य ही रहेगा। आपको कुछ मामलों में नेतृत्व करने का मौका भी आज मिल सकता है। निजी जिंदगी में आपको किसी तरह के लॉयल्टी टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। सावधानियां, कभी कभी आपके मन में चंचलता या अनिर्णय की स्थिति नुकसान पहुंचा सकती है, अतः नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बेहतर होगा कि अपने दोस्तों की सलाह ले लें। लव लाइफ की बात करें तो आप इस समय ड्रीम में जी रहे हैं जहाँ रोमांस और यौन सुख आपकी प्राथमिकता है। अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए पहले अपने साथी को खुश करें और उनके दिल की बातें भी सुनें। अपने साथी को खो देने के विचार अपने मन से निकाल दें। आज भावनात्मक जरूरतों के मुकाबले भौतिक आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देंगे। आप मासिक बजट और अन्य खर्चों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। दोनों साथ बैठकर विचार करेंगे तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। करियर की बात करें तो अभी आप डर को अपने मन से निकालकर दिल खोलकर जीवन का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन अलगाव या धोखाधड़ी आपको उदास कर सकते हैं। दीर्घकालीन निवेश से आपको लाभ होने की संभावना है। परिवार में से किसी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसके लिए डॉक्टर से मिलें। आपने अपने कार्यस्थल में जो प्रसिद्धि प्राप्त की है वो आपको भौतिक सुरक्षा देगी और आपके भविष्य को भी सुरक्षित करेगी। अपनी प्रभावित करने वाली वार्ता से आप अपने इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और मीटिंग में लोगों को प्रभावित करेंगी। सेहत की बात करें तो
अच्छा, आपको लगेगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके आसपास के लोगों को भी ऐसा ही लगेगा। आज आप अपने परिवार या कार्यालय के लोगों के लिए भी भाग्यशाली साबित होंगे। आज आप सकारात्मक रहें, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज का उपाय, आज शाम को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।